हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ खंड शिक्षा अधिकारी के 30 डेज रिवीजन कोर्स में। तो आज हम लोग इसका 10th पार्ट करेंगे, क्योंकि 16 अगस्त को अब सिर्फ 23 दिन बचे हैं और बीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि हर एक एरिया को कवर करता है बीईओ के, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर हो हमारा रीजनिंग और मैथमेटिक्स। तो सारे एरिया को कवर करते हुए ये हमारा 10th वीडियो है 30 डेज रिवीजन कोर्स का। इसके अलावा हम लोग करेंगे साथ में करंट अफेयर्स। एक तो डेली करंट अफेयर्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, उसके अलावा मैं बीईओ के लिए स्पेशल सीरीज़ भी जल्द ही लाने वाली हूँ, जिस पे काम चल रहा है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि और भी आपके काम की वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। प्लस UPSC MPPSC मेंस के जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए GS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर मेंस के साथ यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में इसरो के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से छात्रों द्वारा बनाया गया एक उपग्रह DCHIFAT-3 लॉन्च किया जाएगा, तो ये किन छात्रों द्वारा बनाया गया है? तो ईरानी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल छात्रों द्वारा बनाया गया है DCHIFAT-3। तो ये 1 ईयर के अंडर के करंट अफेयर हैं, तो इसको करना ज़रूरी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, CPI हाल ही में खबरों में था, तो सी का यहाँ क्या अर्थ है? ऑप्शन करेंसी, कंज्यूमर, कमोडिटी, कैपिटल या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है सी यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस है आप लोगों के पास, जेम्स टॉमसन योजना, हंटर पॉलिसी, वुड डिस्पैच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की जो पॉलिसी आई थी वो 1854 में आई थी, तो इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? लेग्यूमिन्स पौधे, परजीवी पौधे, एपिफाइटिस पौधे या जलीय पौधे। तो लेग्यूमिन्स पौधे वो पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं। ये कुछ दाल टाइप के पौधे होते हैं, जैसे दालों के पौधे, मटर के पौधे, इस टाइप के पौधे को लेग्यूमिन्स पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, उन दोनों पर विचार करके सही गलत के बारे में बताना है। तो पृथ्वी और वायुमंडल से लौटने वाले कुल विकिरण और सूर्य से प्राप्त कुल इकाइयों के बीच 15 का अंतर है, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 15 का अंतर नहीं है। ऊष्मा बजट बताता है कि पृथ्वी गर्मी के विशाल स्थानांतरण के बावजूद क्यों गर्म, न गर्म होती है और न ठंडी होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इतना ज़्यादा पृथ्वी पे सूर्य की किरणें आती हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा ना वो गर्म हो रही है ना वो ठंडी हो रही है, ये ऊष्मा का जो वापस वायुमंडल में जाना है उसके कारण होता है। तो इसमें केवल 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, तो इसमें दोनों सूची का मैच करना है। पहला है संविधान की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायपालिका और अधिकारों की जुदाई की स्वतंत्रता की सरकार की 3 शाखाओं के बीच। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में व्यापार और वाणिज्य के बीच राज्यों की स्वतंत्रता यहाँ पे दी हुई है। वीमर का संविधान, वीमर संविधान में आपातकाल का प्रावधान बताया गया है। और कनाडा का संविधान यहाँ से लिया गया है, सरकार की अर्ध संघीय प्रपत्र। तो यहाँ पे ये इसका मैच होगा 1 का 4, 2 का 1, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 1 A का 4, 2 का 1, B का 1, तो इसमें लग रहा है 4th ऑप्शन मिसिंग है, तो आप अपने हिसाब से इसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली शहर किस मैदान पर स्थित है? इंडो गंगा मैदान पे, पंजाब मैदान पे, दुआब पे, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली शहर इंडो गंगा मैदान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बाघ परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1975, 1973, 1994 या 1971। ये UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, इस टाइप की परियोजनाएं अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 1973 में बाघ परियोजना का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारतीय न्यायपालिका के ऐतिहासिक प्रकरण के बारे में निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, मतलब ये चार हमें ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में बताना है कौन सा सही है और सुमेलित है इसमें, कौन सा गलत है। तो मेनका गांधी प्रकरण 1798 के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत विचरण विदेश यात्रा का अधिकार है, बिल्कुल सही दिया गया है। ओल्गा टेलिस प्रकरण 1985 अनुच्छेद 21 और 32 के तहत स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, ये बिल्कुल गलत है इसमें। एमसी मेहता प्रकरण 1986 अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार, ये भी यहाँ गलत होगा। और जस्टिस पुट्टा स्वामी प्रकरण 2017 अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजा राममोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना सही पूछा है या गलत, यहाँ गलत विकल्प का चयन पूछा है। उन्हें आधुनिक भारत के पहले नेता के रूप में माना जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें फारसी में एकेश्वरवादी के लिए उपहार और यीशु के सिद्धांतों को लिखा था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वे पश्चिमी के खिलाफ भारत के अतीत की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि वो पश्चिमी के आलोचक नहीं थे, उसके बारे में वो खुद अपनी सही राय रखते थे और खुद ही पश्चिमी सभ्यता को अपनाते थे। ऑप्शन नंबर 4 है, वे आत्मीय सभा के संस्थापक भी थे, तो ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 11। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित है, मतलब ये जो सेट है बाकी तीन से कैसे रिलेट, इन चारों में से कौन सा इससे रिलेटेड है, बाकी तीन गलत होंगे। तो मैं इसका बता देती हूँ, बाकी ऑप्शन आप तीनों फोर्थ को चूज कर लेना। यहाँ पे है 17 और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे मैं इरेज करके बता दे रही हूँ। ये जो 17 है यहाँ पे और लास्ट वाला यहाँ पे 7 है, तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं 17 और 7 को, तो आंसर हमारे पास आएगा 24, ठीक है। 17 + 7 = 24। अब इसे अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 12। तो इस टाइप की ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोई 2 या 3 जो हमारे पास न्यूमेरिक्स होते हैं उनमें क्या आपस में रिलेशन होता है। तो इसी तरह जैसे इसमें 42 और 27 को आप ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 34 आना चाहिए, ये नहीं आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे आप लोग सारा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या सैयद वंश? तो करेक्ट आंसर है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश ने केवल 30 साल शासन किया था, इन्होंने किया था 1290 से 1320 तक शासन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की भी कहा जाता है, के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन 7.4, 7.3, 7.1 या 7.2? तो करेक्ट आंसर है 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में किरण रिजिजू द्वारा रूस के एकातेरिनबर्ग में पुरुषों के विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने के लिए नगद पुरस्कारों के साथ निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमित पंघाल और मनीष कौशिक को सम्मानित। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो करेक्ट आंसर है आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस बीमारी है खून से रिलेटेड, त्वचा से, मस्तिष्क या फेफड़ों? तो ये बीमारी है खून से रिलेटेड, इसमें खून का थक्का जमने लगता है शरीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, अंडे, चिकन, खाद्य पदार्थ, मछली या ये सभी? तो करेक्ट आंसर है इसमें ये सभी, क्योंकि अंडे, चिकन और मछली तीनों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश का नाम बताना है, तो अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और कनाडा। भारत में भी लिखित संविधान और प्रस्तावना दी गई है, बट इसका करेक्ट आंसर अमेरिका होगा क्योंकि फर्स्ट देश का नाम बताना है, तो फर्स्ट देश यहाँ पे अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 19,
भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये ऑब्वियसली तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस 15, 18, 21, 25, करेक्ट आंसर 18, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बट पहले 21 साल थी, तो आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन से अमेंडमेंट के बाद ये मतलब कि 21 साल से 18 साल कर दिया गया, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सत्याग्रह सभा का गठन किसने किसके विरोध में यहाँ किया गया था? सत्याग्रह सभा का गठन तो ये किया गया था रोलट एक्ट के विरोध में, सत्याग्रह सभा का गठन। यहाँ पे जब रोलट एक्ट हुआ था तो उसके दौरान गांधी जी ने हड़तालें करवाई थी और इस सत्याग्रह करवाया था, तो ये रोलट एक्ट के दौरान किया गया था। तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर अपने मार्क्स हमें शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।